नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। इसी साल फरवरी में 14 तारीख को पुलवामा में एक आत्मघाती अटैक हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए और अभी भी बने हुए हैं। लेकिन उसके बाद भारतीय सेना और भारत सरकार पाकिस्तान को लेकर एक अलग ही रंग और ढंग में दिख रही है। भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए दुनिया के खतरनाक से खतरनाक हथियार खरीद रहा है और अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है। इससे पहले भी अरुणाचल सीमा पर भारत ने अपने बंद पड़े 2 रनवे को खोला और गोल मास्टर को उतारा। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश में भारत से होविट्ज़र तोप भी तैनात कर दिए गए। चीन से सटी लद्दाख सीमा पर भारत युद्ध स्तर तक की तैयारी कर रहा है, जिसमें सड़क निर्माण और कई बटालियन सैनिकों को बढ़ा दिया है। इसी के साथ सीज फायर से परेशान होकर भारत ने जम्मू कश्मीर में भी अपनी मजबूती को आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने इसराइल में बने टैंक रोधी मिसाइल ATGMS स्पाइक को जम्मू कश्मीर में उत्तरी कमान के युद्ध क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर तैनात कर दिया। इससे पाकिस्तान के साथ लगी देश की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी और मजबूत हो गई। स्पाइक ATGMS मिसाइलों को दागो और भूल जाओ मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरी तरह पोर्टेबल है और शक्तिशाली इतने हैं कि टैंक को भी नष्ट कर सकते हैं, 4 किलोमीटर के दायरे में बंकर को भी तबाह कर सकते हैं। सेना के सूत्रों की माने तो इन टैंक रोधी गाइडेड मिसाइलों और इसके लॉन्चर को उत्तरी युद्ध क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के साथ 16-17 अक्टूबर में शामिल किया गया है। इस समय इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइल ने सेना को आपातकालीन खरीद तंत्र के तहत 280 करोड़ रुपए के सौदे में कुल 210 मिसाइलों और 12 लॉन्चरों की आपूर्ति की थी। ये बहुप्रतीक्षित सौदा भारतीय वायुसेना के बालाकोट में आतंकी शिविरों पर हवाई हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के बाद हुआ। दागो और भूल जाओ ATGMS की मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। इनका इस्तेमाल नियंत्रण रेखा के करीब बंकरों, शेल्टरों, घुसपैठ और अड्डों और आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट करने के लिए किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि पाक सेना क्यों टेंशन में आया और क्यों इतना परेशान है। वही जब से स्पाइक मिसाइल लॉन्च हुआ है, तभी से पाक सेना की तरफ से गोलीबारी भी कम हुई है। और तो और, पाक सेना अब सीमा के नजदीक कम ही आ रही है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि पाक सेना दागो और भूल जाओ के तैनात होने से काफी टेंशन में है और मौत के मुंह में खड़े होकर जिंदगी की भीख मांग रहे हैं।